हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 मैथ में एक्सरसाइज। कमन एक्सरसाइज है आपका 4.3। आज एक्सरसाइज ही लगाना है आपको, क्योंकि 2 दिन हम लोग थ्योरी की ओर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या लगाना है? एक्सरसाइज लगाना है। ठीक है, चले लगाने के लिए। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, 1 में तो पहले कह रहा होगा कि आलेख खींचिए इसको। जी सर, पहले आप कहा है कि दो चार वाले काले कहा तो बोल दो, तो किताब ही दोनों खुद दो। कह रहा है कि दो चार वाला, दो चरों वाला निम्नलिखित रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। मैंने आलेख आपको खींचना है, चलिए आलेख खींचिए, आलेख खींच कर हमको दिखाना है। देखिए, आप खींच भी चुके हैं और आज खींचेंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है x प्लस वाई बराबर 4। सेकेंड हमारे पास दिया है x माइनस वाई बराबर 2। थर्ड दिया गया है y बराबर 3x। फोर्थ दिया गया है थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। चले देखो इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल हमारे पास कहता है कि एक बार आप x का मान क्या मानेंगे, 0, और एक बार y का मान आप मानेंगे 0। एकदम फिक्स है कि आप एक बार x का मान 0 मानेंगे तो एक बार y का मान 0 मानेंगे, खींच देंगे। सिंपल सा आपकी बात है। चलो तो पहला खींचो, आओ पहला हल करते हैं हम लोग कि x प्लस वाई बराबर 4 दिया तो 4 लिखो। तो x बराबर 0 रख लें, तो जब x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो जहाँ x है तहाँ 0 रख देंगे, तो उठा के 0 रख दें यहाँ पर। अब प्लस वाई बराबर 4 है तो 4, तो वाई बराबर 4 इधर जाएगा तो -0, तो वाई बराबर कितना आ गया 4। वाई का मान 4 आ गया। अब पुनः लिखेंगे का वाई बराबर 0 लेना, तो जब वाई बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक्स तो ऐसे ही रखेंगे प्लस जहाँ वाई है तहाँ क्या रखेंगे 0 बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास बिंदु आ चुका है, कौन कौन जरा देखिए, बिंदु आ गया है कौन कौन। आपने जब एक्स का मान रखा है कितना, 0.4 आया है, और दूसरा में 4.0 ये निकल गया। इतना समझ में आया? अब आपको क्या खींचना है, तो कह रहा है कि आले खींचना है ना, खींच दीजिए। ये छोटा सा एक आले यही पर खींच देते हैं। मान लो 0, 1, 2, 3, 4 तक, क्योंकि एक्स का मान कितना है 4 है, वाई का मान भी कितना है 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो जब एक्स का मान 0 वाई का मान 4, तो एक्स का मान 0 वाई का, देखो पहला एक्स का होता है दूसरा वाई का, एक्स का वाई का, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स का मान क्या है 0 है, वाई का मान 4। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो हिस्सा होगा 0.4, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा 4.0 लिया करके इसको क्या करते हैं। हाँ, अगर आप बीच में चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाइए। हम एक्स का मान 1 मान लें, एक्स का मान कितना मान लें 1, तो अगर एक्स का मान 1 मानेंगे, जैसे सो एक्स का मान 1 माने तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 4, तो वाई बराबर 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। एक्स का मान 1 तो वाई का मान 3, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग 1, 3 दिखा सकते हैं। एक्स का मान 2 माने तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो वाई का इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। खाली बोले 0-0 दिखाइए ना, ठीक है, सीखे हो पहले कैसे बनाया गया, ये तो कल का बहुत प्रैक्टिस किया हो तुम, आ जाओ सीख गए हो तुम लोग, यही तो चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। 2 नंबर क्या दिया है भाई, एक्स माइनस वाई बराबर 2। हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि एक बार एक्स का मान 0 रखेंगे और एक बार वाई का मान, अच्छा लगे एक्स का मान 0 रखेंगे, माना कि यहाँ पर एक्स बराबर 0, तो जहाँ एक्स है तहाँ क्या रख देना है 0, तो 0 रखेंगे, और माइनस वाई बराबर का आ गया 2,
तो माइनस वाई बराबर दो आ जाएगा माइनस जीरो, तो माइनस वाई बराबर माइनस दो हो जाएगा। माइनस हटा करके देखो, माइनस वाई बराबर दो हो रहा है तो ये माइनस वा हटा के इधर कर देंगे, काहे कि एक्स वाई के आगे कभी माइनस नहीं रहता, उसको उठा कर रहने करो, तो वाई बराबर आ गया माइनस दो। चलो पुनः अब वाई बराबर क्या लोगे बाबू, जीरो। वाई बराबर जीरो लेने पर, जब वाई बराबर जीरो लगे तो जहाँ एक्स है तहाँ एक्स रखो माइनस, और जहाँ वाई है तहाँ क्या रखोगे जीरो, सिंपल सी बात है। बराबर दो है तो दो लिख लो, तो एक्स का कितना आ गया दो। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन आया, बिंदु आ गया हमारे पास, एक्स का मान जीरो रखे माइनस दो आया, एक्स का मान यहाँ पर दो रखे वाई का मान जीरो। अब आलेख खींचना है ना, तो देख लो बाबू वाई के मान माइनस में है यहाँ पर, लगे एक्स का मान प्लस में, तो ऐसे खींचो ऐसे जीरो, एक्स का मान दो तक है ना, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या हो जाएगा दो, एक तो हो जाएगा ना। यहाँ पर माइनस दो है, वाई का मान तो नीचे होता है माइनस एक और माइनस दो, बताओ एक्स का मान कितना है जीरो है और वाई का मान माइनस दो, तो यहाँ पर होगा एक्स का मान जीरो वाई का मान माइनस दो। हमेशा पहले एक्स का होता है, याद भी होगा आपको, हमेशा मान पहला एक्स का दूसरा वाई, इसमें एक्स है वाई है, एक्स का मान दो, एक्स का मान दो वाई का मान जीरो, तो यहाँ पर दिखा देना। अब आपको इधर लिखो चाहे किधर लिखो इससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी लिख सकते हो, और इस तरीके से हमारा ग्राफ ये बन सकता है, कोई दिक्कत चला जाओ थ्री नंबर पर। दूसरा नंबर बना लोगे ना सब लोग, पूरा क्लियर समझ में आ गया। और थ्री नंबर का है y बराबर थ्री एक्स, वाई बराबर, अब बताओ हम x बराबर जीरो लें, x बराबर क्या लेने पर जीरो, तो x बराबर जीरो लगे तो y बराबर क्या होगा, तो समझो थ्री गुणा जीरो, क्योंकि x बराबर जीरो रखे तो कितना आ गया जीरो, समझ रहे हो, x का मान जीरो तो y का मान भी जीरो। अब मान लो जब भी गुणा के रूप में होता है ना तो सब जीरो ही होता चला जाएगा, तब जानते हो क्या करना, x बराबर एक लेने पर, एक सौ क्या लेने पर, मान लो सब जीरो ही हो जाएगा, तो आई बराबर तीन गुणे जहाँ एक से तहाँ का लिखोगे एक, और तीन से गुणे एक में करोगे क्या आ जाएगा तीन, इधर आ जाओ वाई बराबर फिर अब एक सौ दो ले लो एक, तो वाई बराबर तीन गुणे दो बराबर छ, एक सौ तीन ले लो तो वाई बराबर तीन गुणे तीन बराबर नौ, हो गया बराबर नहीं दिया जाए, इतना मना गया अब आपका, तो क्या करोगे देखो कौन कौन बिंदु प्राप्त हुआ है, तो बिंदु में हमें प्राप्त हुआ है देखो का, एक तो एक्स का मान जीरो तो वाई का मान भी जीरो, तो जीरो का मान जीरो लिखा जाएगा, और एक में एक्स का मान एक तो वाई का मान कितना है तीन, तो एक कमा करके क्या लिख सकते हैं, तीन समझ आ रहा है ना कैसे लिया जा रहा है, जो देखो एक बार एक यहाँ पर एक्स का मान जीरो लिए तो वाई का मान भी कितना है जीरो, तो हमने एक्स का मान जीरो रख दिया वाई का मान जीरो, एक बार हमने एक्स का मान क्या लिया एक तो वाई का मान तीन, एक्स का मान एक तो वाई का मान तीन, एक बार एक्स का मान दो लिखे तो वाई का मान कितना आ गया देखो छः आ गया है, और एक बार एक्स का मान आपने तीन लिखा तो वाई का मान नौ, कुछ सीखे जी, ऐसा आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, वही आलेख खींचना है तो खींचो, लेकिन ध्यान रखना एक्स का मान कितना तक तीन तक, वाई का मान नौ तक खींच रहे थे, यहाँ पर जीरो हो गया, एक है दो है तीन, तीनों तक है, एक ये दो ये तीन ये चार ये पाँच ये छः ये सात ये आठ ये नौ, जीरो जीरो होगा तो यहाँ पर होगा बिंदु, होगा ना, जब ये जीरो जीरो लगे तो कहाँ पर होगा यहाँ पर, एक तीन कह रहे हैं ना, एक्स का मान एक तो वाई का मान तीन यहाँ आ जाएगा, एक तीन लिख लो दो छः, एक्स का मान दो वाई का मान छः तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दिखा दो, देख लो दो है ना यहाँ पर, तो नीचे से दो देखना है ठीक है, और कहाँ तक देखना है छः तक लेकर के जाना है, इसको तीन है तो नौ तक गया है तो नौ तक यहाँ पर दिखा, तब है ना आपका जहाँ जहाँ ये जा रहा है तहाँ तक सीखे बन जाएगा जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार के पास, देख लो कैसे ग्राफ खींचा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चार में कहा है ना थ्री प्लस टू एक्स बराबर आपके पास वाई दिया गया ठीक है, थ्री एक्स प्लस, तो एक्स बराबर क्या मानोगे एक बार जीरो, अच्छा ऐसे दिया
थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई। तो एक बार क्या करो, एक्स बाबा जीरो लगने पर लिख सकते हैं ना, तो एक्स बाबा जीरो लगा तो थ्री तो वहीं रखेंगे। हाँ, ये दो गुण है, जहाँ एक्स है तहाँ जीरो प्लस वाई, तो थ्री बराबर आई गुना करोगे जीरो प्लस वाई, तो वाई बराबर कहाँ आ गया, थ्री। वाई बराबर थ्री आ गया। अब सुनो, अब कहा लेंगे आप, अब वाई बराबर जीरो लेने पर नो, आप एक बार एक्स बराबर जीरो लिए थे एक बार वाई, क्योंकि प्लस के साथ है, जब भी प्लस माइनस के साथ रखते हैं ना, गुणा में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, एक दो मान लेते, लेकिन प्लस के साथ हो माइनस के साथ हो तो एक बार एक्स का मान जीरो मानते हैं तो एक बार वाई का मान जीरो, तो रखो वाई बराबर जीरो, तो यहाँ पर थ्री प्लस टू एक्स प्लस जीरो, यहाँ वाई की जगह पर जीरो रख देंगे, तो थ्री बराबर टू एक्स, थ्री अपॉन टू बराबर एक्स, या भाग दे देंगे तो 1.5 आ जाएगा, तीन में जो दो से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1.5। हमारे पास बिंदु कौन कौन आ गया, बिंदु एक आ गया है, एक्स का मान कितना है जीरो, तो वाई का मान तीन, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान तीन, एक बार एक्स का मान 1.5 तो वाई का मान जीरो। तो देखो एक्स का मान तो बहुत छोटा चाहिए, बस 1.5 तक चाहिए एक्स का मान, वाई का मान तीन तक चाहिए, ठीक तो ऐसा, या जीरो लिख लो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, आ वाई का मान तीन तक है तो एक दो तीन, ठीक है, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान तीन, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान तीन, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो कमा करके तीन, एक्स का मान 1.5 तो वाई का मान जीरो, तो ये और 1.2 के बीच में रहेगा, 1.5 कमा करके जीरो, तब लिया के इसको आपका हाँ बन गया, कोई दिक्कत बताओ, ये चार सवाल है जो आपको बताए गए, क्या आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, ऐसे ग्राफ खींच लेंगे, हाँ सीख लेना एकदम खटाक दे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दो के पास हम लोग चलते हैं, यहाँ बताते हैं दो नंबर, क्या कह रहे हैं बाबू दो नंबर, कि दो चौथे से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, इस प्रकार कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। प्रश्न यही है कि जो दो चौदह से होकर जाने वाली आपके दो समीकरण बताना है, तो देखो ध्यान से बाबू को बढ़िया से समझाओ, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अभी रेखाओं की संख्या तो अनंत हो जाएगी, लेकिन पहले सुनो, दो और चौदह है तो एक्स का मान तुम दो मान लो, वाई का मान क्या मान लो चौदह, बात समझ रहे हो, एक्स का मान कितना मान लो दो और वाई का मान चौदह मान लो, तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, लिख सकते हो दो एक्स बराबर चौदह वाई, दो एक्स बराबर चौदह वाई, एक और हो सकता है एक्स प्लस वाई बराबर चौदह, देखो यहाँ पर लिख करके थोड़ा दिखा देना, माना कि हल कर रहे हैं, माना कि पहला चर बराबर x, पहला चर बराबर x और दूसरा चर बराबर y, अब ऐसे आ जाओ, दो बताना है याद रखना, कितना दो, तो देखो पहला बता रहे हैं दो एक्स बराबर चौदह वाई लिखा गया, ठीक है, और दो से चौदह का दो सात, x बराबर सात y, एक ये समीकरण आ गया, ठीक है, एक दूसरा भी समीकरण बताना है ना, तो दूसरा बताओगे तो निकलना x प्लस वाई, जब x प्लस वाई करोगे ना तो यहाँ दो प्लस चौदह, तो दो प्लस चौदह कितना आ जाएगा सोलह, देख लो पहला आपका क्या करना है, दो के साथ x लगा दे तो दो एक्स बराबर चौदह वाई, और दो से आपका चौदह सात बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सात वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा सोलह,